फाइव बुक्स अंडर फाइव हंड्रेड दैट आई हाईली रिकमेंड यू टू रीड इफ़ यू आर इन योर ट्वेंटीज या फिर आप ट्वेंटीज को अप्रोच कर रहे हो स्पेशली 2024 एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर हो सकता है क्योंकि इंडिया में इतनी सारी चीजें हो रही है अगर आपको सच में बिजनेस में कुछ करना है या फिर आपको इन जनरल आप एक यंगस्टर हो जिसको काफी कुछ करना है कुछ नया करना है जीरो से स्टार्ट करके तो ये बुक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं पर्सनली मैं खुद भी ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ता लेकिन कुछ जो पढ़ता हूं वो बहुत ही अगर बहुत ही अच्छी किताबें तो ही मैं उनको पढ़ता हूं वैसे पढ़ने का शौक मुझे भी नहीं है इसलिए मैं ये पांच किताबें जो मैंने खुद पर्सनली पढ़ी है जो बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल रही है मेरी लाइफ में उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा और ना सिर्फ बताऊंगा लेकिन आज इन बुक्स का गिव अवे भी करूंगा क्योंकि मेरे रिसेंटली यूट्यूब के ऊपर टेन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स हो गए तो आज है टेन के का गिव अवे का वीडियो लेकिन सबसे पहले इन पांच बुक्स के बारे में देखते हैं कौन सा है क्यों पढ़नी चाहिए क्या है इन बुक्स में और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो और कैसे आपको ये बुक्स मेरी तरफ से फ्री में मिलेंगे फर्स्ट बुक इज Thiel इस बुक के बारे में अगर आप सच में entrepreneurship में बिजनेस में इंटरेस्टेड तो आपने शायद से इस बुक के बारे में काफी पहले सुना होगा लेकिन अगर आपने नहीं सुना है तो zero टू one एक सच में एक होली बाइबल की तरह एक गीता की तरह उन entrepreneurs के लिए उन एस्पायरिंग यंगस्टर्स के लिए जिनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है ये बुक लिखा है पीटर थियल ने जो कि एक बहुत बड़े ऑन्टरप्रिन इन्वेस्टर जिन्होंने पेपैल बनाया जो कि फेसबुक जैसी बड़ी कंपनीज में अर्ली इन्वेस्टर भी रह चुके हैं तो जीरो टू वन आपको ये सिखाता है कि आप कैसे कोई भी चीज जो बाहर अभी प्रेजेंट नहीं है उसको जीरो से बना सकते हो स्क्रैच से बना सकते हो और पीटर थियल का यह मानना है कि जो मार्केट में चल रहा है वही आप अगर कॉपी पेस्ट करोगे तो उसमें आप मोनोपली नहीं बना पाओगे उसके अंदर आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं बना पाओगे तो कैसे कोई एक यूनिक चीज बनानी है जो मार्केट में है ही नहीं जिसके कोई कंपटीशन ही नहीं है और उसको आप कैसे बना सकते हो बिल्कुल जीरो से रोज वेर मैक्म वैल्यू इज क्रिएटेड तो इस बुक में बहुत बढ़िया ऐसी बात करते हैं मोनोपली और कॉम्पिटिशन के बारे में कि कैसे अगर आप कोई यूनिक चीज बनाते हो तो आप वैसे ही मार्केट से अलग हो जाते हो मोनोपली बन जाते हो कॉम्पिटिशन को बीट कर देते हो फिर पावर ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा आ, इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है स्केल करने में और कोई एक यूनिक चीज बनाने में अनाद ग्रेट कॉन्सेप्टल प्रोग्रेस वर्स इज हॉर्जोटल प्रोग्रेस जहां पे हॉर्जोनटल प्रोग्रेस

एक नीश मार्केट पकड़ के छोटे से स्टार्ट करो और उसको बड़ा करो उसको एक्सपांड करो उसको बाद में डाइवर्सिफाई करके एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाओ तो आई हाईली रिकमेंड यू कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो जीरो टू वन कम से कम एक बुक चाहे आज आपको मेरे से गिव अवे में ना भी मिले तो भी आप ये बुक जरूर खरीद लेना द सेकेंड बुक अ वाई That is by Simon हजार 2009 में बुक निकली थी मिलियंस ऑफ कॉपीज बेच चुके हैं साइमन सीनिक इस बुक की इट इज a बेस्ट सेलर एंड दैट इज बिकॉज ये आपको वाई इस सवाल को पूछना सिखाती है हम लोग नॉर्मली लाइफ में हाउ एंड वॉट कैसे और क्या लेकिन क्यों ये सवाल नहीं पूछते दैट इज द कोर दैट इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग दैट व्हाट इज योर पर्पस बिहाइंड डूइंग दैट जो आपको ये बुक बढ़िया तरीके से करने के लिए सिखाती है इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है दैट इज द गोल्डन सर्कल आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि वाई राइट दैट इज द इनर सर्कल दैट इज द कोर पर्पस और बिलीफ दैट इंसपायर एनीवन टू डू समथिंग और बिल्ड अ कंपनी राइट तो आप अगर एक बिजनेस बना रहे हो तो क्यों बना रहे हो दैट इज द कोर उसके आउटर सर्कल इज हाउ अब आपने डिसाइड कर लिया कि आप ये कर रहे हो लेकिन आप कैसे करोगे राइट ना दैट इज द हाउ द प्रोसेस इज द हाउ एंड वॉट दैट इज द आउटर मोस्ट सर्कल की आपको उसमें से क्या टेंजिबल इंटेंजिबल आउटकम चाहिए दैट इज द लास्ट थिंग दैट यू शुड

कितना स्ट्रॉन्ग पर्प है कितना दैट इज सीक्रेट बिहाइंड ग्रोथ एंड इज सीक्रेट बिहाइंड इनोवेशन दैट एप्पल जब आप वाई से स्टार्ट कर सकते हो वेन यू स्ट्रॉन्ग पर्पज दैट इज वेन अगर आप सपोज एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो जिसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस है दैट इज वेन इट स्टार्ट कनेक्टिंग इमोशनली विथ योर कस्टमर्स एंड दैट इमोशनल कनेक्शन गोइंग टू अट्रैक्ट योर बिजनेस एंड ये इमोशनल कनेक्शन कभी टूटता नहीं है दैट मेक्स देम योर लाइफ लॉन्ग कस्टमर अगर आप सेल डिस्काउंट दे रहे हो ये सारी सुपरफिशियल अट्रैक्टिवनेस लेकिन अगर मैं कोई कंपनी के विजन के साथ जुड़ा हुआ हूं तो मुझे वो इमोशनल कनेक्शन उस कंपनी के साथ में बहुत लंबे समय बहुत लंबे समय तक जोड़ देता है तो अगर आपको आपके जिंदगी में चाहे आप कॉन्टेंट क्रिएशन कर रहे उसमें हो उसमें या फिर आप कोई प्रोडक्ट बिजनेस बना रहे उसमें हो उसमें अगर आपको लोगों से कस्टमर से लॉयल्टी चाहिए एंगेजमेंट चाहिए तो यू शुड नो हाउ टू डिफाइन यूर वाय एंड हाउ टू पोर्ट्रे इट एज वेल राइट तो स्टार्ट विदायज द ग्रेट बुक उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है थर्ड बुक फॉर टूडे इज अगेन आई थिंक जो लोग जीरो टू वन खरीदते हैं वो इस बुक को खरीदते हैं क्योंकि जीरो टू वन के साथ ये बुक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द लीन स्टार्टअप बाय अरिक्राइस ये भी इट इज अ बेस्ट सेलर एंड लीन स्टार्टअप एक्चुअली यंगस्टर्स के लिए हम जैसे यंग्टर्स के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आपको सिखाते हैं कि कैसे आप कम से कम रिसोर्सेज में एक लीन तरीके से एक स्टार्टअप को बना सकते हो और कब आपको उसमें क्या करना है कब पेवेट करना है कब एक्सेलरेट करना है कैसे यूज करना है फंड्स कहां पे ग्रोथ के लिए फोकस करना है ये सारी चीजें आपको लीन स्टार्टअप सिखाता है द टर्म लीन स्टार्टअप मींस दैट यू हैव टू बिल्ड दैट स्टार्टअप दैट बिजनेस इन एन एसेटलाइट वे इन एन एसेट लाइट मॉडल एंड स्टिल यू वुड बी एबल टू स्केल राइट right? एंड हम लोग काफी बार देखते हैं कि लोग कहते हैं कि यार मुझे फंडिंग मिलेगी तो मैं स्टार्ट करूंगा हर एक बिजनेस को फंडिंग की जरूरत नहीं होती आप अगर कोई बहुत ही डीप टेक प्रोडक्ट ए से रिलेटेड अगर आप बहुत ही कुछ गेम चेंजिंग बना रहे हो तो ही आपको मिलियंस ऑफ डॉलर स्टार्टिंग में चाहिए नाइनटी नाइन पॉइंट डोंट नीड मच ऑफ अ फंडिंग राइट तो लीन स्टार्टअप आपको बताएगा कि कैसे आप कम से कम रिसोर्सेज में एक लीन स्टार्टअप

सिर्फ उस प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाने के लिए उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम एनर्जी पैसे इन्वेस्ट कर रहा है और उसको पता तक नहीं है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट चलेगा भी कि नहीं तो लीन स्टार्टअप आप आपको ये सिखाते हैं कि कैसे आप एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट एक प्रोटोटाइप एक रूडमेंट्री एक रफ प्रोडक्ट बना उसको जल्दी से जल्दी मार्केट में उतारो और टेस्ट करो कि ये कैसे परफॉर्म कर रहा है एंड देन यू टेक इट बैक यू इटरेट इट यू पुट इट बैक यू री इट यू पुट इट बैक एंड कैसे आपको इस साइकिल को रिट्रेशन इट्रेशन इटरेशन के साइकिल से आपको उस प्रोडक्ट को डेवलप करना है ना कि सिर्फ आप बैठे हुए दो साल उस प्रोडक्ट को परफेक्ट कर रहे हो मार्केट में लॉन्च कर दिया फेल हो गया टाइम भी आपका टाइम भी वेस्ट हो गया आपके पैसे भी वेस्ट हो गए आपकी एनर्जी भी वेस्ट हो गई एंड द मेन रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ बिजनेस इज दैट बिजनेस के फाउंडर्स कभी भी अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स से बात नहीं करते अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहले जाके पचास लोगों से बात करो जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनसे फीडबैक लो एमवीपी बनाओ वापस उनके पास जाओ फीडबैक लो फिर से इटरेट करो रिट्रेड करो तो ये आपको लीन स्टार्टअप बहुत बढ़िया तरीके से बताएगा कि कब क्या करना है कैसे करना है इट इज गोइंग टू गाइड यू इट इज गोइंग टू बी लाइक अ मेंटर आपके ऑन्ट्रप्रनोरियल जर्नी में नाउ द फोर्थ बुक फॉर टूडे एंड जो आज की तारीख में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट फर्स्ट बाय माइक माइक्रोवेश प्रॉफिट फर्स्ट ये तो आजकल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हर एक इन्वेस्टर बोल रहा है कि मैक्सिमाइज करना है कैसे के बारे में सही तरीके से सोचा जाता है किस तरीके से आपको आपका बैंक अकाउंट सेट करना है किस तरीके से आपको आपके फंड्स एलोकेट कहां पे एलोकेट करने किस तरीके से आपको आपके पेमेंट्स डिसाइड करने किस तरीके से आपको आपका बिजनेस का फाइनेंशियल मॉडल रिफाइन करना है ताकि आपको उसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिल पाए हम लोग मोस्टली बिजनेस में प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं सेल्स माइनस एक्सपेंसेस इज प्रॉफिट्स राइट हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर सेल और एक्सपेंसेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं लेकिन नाउ यू कैलकुलेट बाय सेल माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्सपेंसिस इसके अंदर प्रॉफिट को पहले रखो प्रॉफिट जब आप डिसाइड कर लोगे उसको सेल में से डिडक्ट करो तब जो एक्सपेंसिस निकलेंगे उन एक्सपेंसेस को फिर देखो कि आप कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो इस बुक में आपको काफी सारे रियल लाइफ केस स्टडीज भी सीखने को मिलेंगी जहां पे उन्होंने बताया कि कैसे उन कंपनीज ने उन ने अपने को first, को इस, आ, को प्रॉफिट फर्स्ट इस इस प्रिंसिपल सामने रख के बहुत बड़ी प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल कंपनीज बनाई है नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट बुक जो मैं समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी ये एक्चुअली थ्री में बुक निकली थी एंड इट इज एन एवरग्रीन बुक जो हर एक को पढ़नी चाहिए चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की

पॉजिटिव अफॉर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन गिव यू दैट इनर स्ट्रेंथ आपके सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से कंडीशन करते हैं कि वो आपको सच में आपकी इमेजिनेशन को आपके ड्रीम्स को प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट करने की तरफ लेके चलते हैं ऑल्सो इसके अंदर हीलिंग पावर ऑफ माइंड के बारे में कहा गया है कि अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड हेल्दी है तो अगर आपके बॉडी में भी कोई बीमारी है तो उसको भी वो ठीक कर सकते हैं उसको भी क्योर कर सकता है बिकॉज एट द एंड एवरीथिंग इज इन योर ब्रेन राइट उसके बाद में ओवरकमिंग फियर्स एंड फोबिया सक्सेस प्रोस्पेक्टिव रिलेशनशिप्स एंड हैप्पीनेस कैसे अफेक्ट होते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपके सबकॉन्शियस माइंड के फ्रेमिंग से ट्यूनिंग से तो आई थिंक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी

लेकिन ये पांच बुक्स जरूर पढ़ना अब बात करते हैं गिव अवे की कि 10,000 सब्सक्राइबर्स फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच ढाई साल लगे 10,000 दस हजार तक पहुंचने के लिए आई होप कि आगे की जर्नी थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी लेकिन 10,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके तो आई थैंक ऑल ऑफ यू इट मीन मी काफी सारे लोगों के लिए ये नंबर बहुत छोटा हुआ लेकिन इट मीन द लाइफ मी काफी मेहनत लगी है इन वीडियोस को डालने में स्पेशली जब आपकी ग्रोथ स्लो होती है तब मोटिवेशन आपको अंदर से लाना पड़ता है काफ़ी लोगों ने स्टार्टिंग में क्रिटिसाइज भी किया आज भी करते होंगे रिलेटिव्स uh, तो होते ही है लेकिन वो कहते कि uh, पता नहीं यूट्यूब क्यों कर रहा है लेकिन आई थिंक यूट्यूब को एज अ फुल टाइम प्रोफेशन तो नहीं देखता हूं मैं अभी फिलहाल के लिए ले इट एट समथिंग लाइक अ पार्ट टाइम हॉबी दैट आई लव टू डू क्योंकि आई लव टू इम्पार्ट द नॉलेज दैट वुड बी यूजफुल टू समन एंड दैट इज द रीजन आई पुट आउट कॉन्टेंट राइट अगर उसको कितने भी व्यूज आए इट डर लेकिन अगर मुझे लगता है कि इसने एक आदमी की भी मदद कर दी तो आई थिंक इट सर्व द पर्पज अब बात करते हैं गिव अवे में कैसे पार्ट लेने गिव अवे में पार्ट लेने के लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना मिलेगा सब्सक्राइबर हो तो ही मिलेगा बॉस ऐसे हरे को नहीं देता मैं सेकेंड इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लो पेज को स्टार्टअप विद सेड फेसबुक के ऊपर पेज को फॉलो कर लो स्टार्टअप विद सेड इन तीनों पेजेस को फॉलो करने के बाद में फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ये पांच अलग अलग, अलग बुक्स मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से सीधा उनके घर पर डिलीवर्ड अगर आपको विनर जानने तो फिर यूट्यूब का कम्युनिटी पेज देखते रहना और इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो जरूर कर लेना अगर नहीं फॉलो करोगे तो फिर आप वैसे भी एलिजिबल नहीं हो लेकिन रिजल्ट के लिए I think probably I'll give it one week. एक हफ्ते के बाद मैं रिजल्ट डिक्लेयर करूंगा तो एक हफ्ते के बाद इंस्टाग्राम के ऊपर भी रिजल्ट आ जाएंगे कि किन पांच लोगों को कौन सी पांच किताबें मिली है सो इस टू डे वीडियो आई होप यू लाइक वीडियो ये पांच किताबें मेरी तरफ से अगर आपको ना भी मिली क्योंकि मेरे पास भी एक कंस्टेंट है मैं हर एक को तो नहीं दे सकता लेकिन अगर आपको चाहिए तो ये सारी किताबें पांच सौ के अंदर है। और कुछ किताबें तो सौ डेढ़ सौ दो सौ रुपए की है तो ये बुक्स आप खुद के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो ये सोच के खुद खरीद लो उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां से आप इन बुक्स को परचेस कर सकते हो सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक द वीडियो शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन टू आई द लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय टेक केयर एंड थैंक यू